So I hope the method 2 makes sense to you of configuring the same VPN. ओके जी, तो हमने पॉलिसी बेस्ड वीपीएन आईओएस पर, रूट बेस्ड वीपीएन आईओएस पर मेथड 1 और मेथड 2 के साथ देख लिया। अब हम एएसए के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, क्योंकि हम पॉलिसी बेस्ड वीपीएन स्टडी कर रहे हैं, तो पॉलिसी बेस्ड वीपीएन हमने राउटर पर तो कर लिया, बट एएसए पर भी करना है। Using IPv1 and pre-shared key. कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, जो राउटर पर स्टडी की है कमोबेश वैसी ही है जो आप ASA पर करेंगे। So, हमने ये पॉलिसी बेस्ड करना है। राउटर 1 इज 61.1.1.1 एंड ASA इज 66.1.1.1। लेट्स क्रॉस चेक। का सबनेट इधर है और 192.168.1.0 का सबनेट इधर है। ASA के पीछे LAN में देयर इज अ मशीन विच इज पिंगेबल। अच्छा जी, अब यहां से हम ASA के WAN को पिंग कर लेते हैं। WAN इज पिंगेबल, वो पिंगेबल होना चाहिए, वीपीएन गेटवेज आपस में रीचेबल होनी चाहिए। अब हम पिंग करते हैं 5.1 को सोर्स में 1.1 को रख के, तो हमें अभी रिप्लाई नहीं आ रहा, मींस हमारी जो लैंड टू लैंड कम्युनिकेशन है वो अभी नहीं हो रही, और हमें ये पॉलिसी बेस्ड के जरिए अब आप करना है। अच्छा जी, R1 के ऊपर अगर हम क्विकली पॉलिसी बेस्ड कॉन्फ़िगर करें यूजिंग मेथड 1, तो क्रिप्टो आइजर कैंप की सिस्को एड्रेस 65.1.1.1, क्रिप्टो आइजर कैंप पॉलिसी 1, ऑथेंटिकेशन प्रीशेयर ग्रुप 2, हैश SHA, एनक्रिप्शन 3DES, दिस इज आवर फेज 1, वी नीड एन ACL 1.0 से 5.0 के दरमियान, वी नीड अ ट्रांसफॉर्म सेट, पोर्ट, टनल, देन वील मेक अ क्रिप्टो मैप, IPsec IsaCamp instruction tells कि हम IsaCamp use कर रहे हैं, we are not doing things manually,
पीयर हमारा 65111 है, मैच एड्रेस हमारा 11 है, सेट ट्रांसफॉर्म सेट हमारा माय सेट है, एंड वी विल अप्लाई इट ऑन गीगा 0/0 क्रिप्टो मैप माय मैप. सो दिस इज द पॉलिसी बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर 1. अच्छा जी, अब हमें यही कॉन्फ़िगरेशन एएसए के लिए करनी है. तो एएसए में जो हमने पढ़ रखा है कि एएसए की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर ये जो आइज़ैक एम का लफ्ज़ है वो एग्जिस्ट नहीं करता. जब हमने रूट बेस्ड वीपीएन बनाया था तब भी फेज वन हमने कॉन्फ़िगर किया था, तो उसका जो फेज वन है उसमें हम लिखते हैं क्रिप्टो आइक वी वन पॉलिसी वन. हम उसके पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाते हैं. बाकी कमांड सब एज इट इज हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है. सो वी कैन टेक देम फ्रॉम आईओएस. सो पॉलिसी में सिर्फ ये एक कीवर्ड का फर्क है एएसए और क्रिप्टो आइक वी वन एनेबल आउटसाइड. वी कैन गिव दिस कमांड टू enable the IQ V1 listener on outside interface of ASA. तो ये है हमारा phase वन. उसके बाद हमें ASA में भी ACL चाहिए. हाँ, 5.0 है और ASA में ACL में वाइल्ड कार्ड मास्क एक्चुअली सबनेट मास्क की तरह ही लिखा जाता है. तो ये चीज हम याद रखेंगे कि हमने वाइल्ड कार्ड नहीं देना बल्कि सबनेट मास्क ही देना है. और एएसए में आप बेशक नंबर भी दें वो नेम ही गिना जाता है, वो नेम होता है वो नंबर नहीं होता. जिस तरह राउटर में 101 इज एक्सटेंडेड एसीएल. क्रिप्टो आईपी सेक ट्रांसफॉर्म सेट माई सेट ईएसपी 3-DES ईएसपी एसएचए एचमैक मोड टनल. अब इसके अंदर भी हम क्रिप्टो आईपी सेक ट्रांसफॉर्म सेट राउटर में लिखते हैं. यहां पे इसको भी उसने जरा बेहतर अंदाज में लैबोरेट कर दिया है कि बेशक ये आईपी सेक की कॉन्फ़िगरेशन है लेकिन अभी भी कॉन्फ़िगर आप आईक वी वन ही कर रहे हैं. सो क्रिप्टो आईपी सेक आईक वी वन ट्रांसफॉर्म सेट. तो ये एक फर्क है कॉन्फ़िगरेशन में एएसएम. उसके बाद अब हमने आईपी सेक प्रोफाइल तो बनानी नहीं है, अब हमने क्रिप्टो मैप बनाना है. तो एएसए के अंदर भी आप आईक वी वन जब कन्फिगर करेंगे तो आप क्रिप्टो का मैप ही बनाएंगे. लेकिन फर्क थोड़ा सा उसमें ये है कि जब आप एएसए में क्रिप्टो मैप बनाते हैं तो आपको क्रिप्टो मैप की कमांड बार बार लिखनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल आप इसको यूं समझ लीजिए, क्रिप्टो मैप माई मैप वन मैच एड्रेस, वेयर एज राउटर में हम लिखते हैं क्रिप्टो मैप माई मैप वन आई पी सेक आइज़ैक एम एंटर और उसके सब मोड में बाकी सब कुछ लिखा जाता है. यू कैन सी हियर, वेयर एज इसके अंदर ऐसे नहीं है. इसके अंदर आप लिखेंगे क्रिप्टो मैप माई मैप वन एंड सेट पीयर उसके सामने, फिर दोबारा ये कमांड आएगी क्रिप्टो मैप माई मैप वन मैच एड्रेस 101 क्रिप्टो मैप माई मैप वन सेट ट्रांसफॉर्म सेट माई सेट. सो यू डू नॉट हैव सब कॉन्फ़िगरेशन मोड लाइक यू हैव इन iOS. इन ASA यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स इन वन गो और बार बार आप क्रिप्टो मैप और उसकी वैल्यू का इशारा करेंगे लाइक दिस. सो सेट आइक वी वन ट्रांसफॉर्म सेट माई सेट इंस्टेड ऑफ सेट ट्रांसफॉर्म सेट. और उसके बाद राउटर में तो हम इंटरफेस में जाके क्रिप्टो मैप लगाते हैं, इसमें हम इंटरफेस में जाके क्रिप्टो मैप नहीं लगाएंगे बल्कि हम कमांड देंगे क्रिप्टो मैप माई मैप इंटरफेस आउटसाइड. दिस इज द वे यू अप्लाई अ मैप ऑन एन इंटरफेस. इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर
हमने कहीं पर भी की डिफाइन नहीं की है, ये चीज मिसिंग है। तो हमने पढ़ रखा है कि ASA के अंदर ये चीज टनल ग्रुप की शक्ल में बनाई जाती है। टनल ग्रुप ये हमने रूट बेस्ड VPN में भी देखा था, टनल ग्रुप 61111 टाइप IPsec L2L, टनल ग्रुप 61111 IPsec एट्रीब्यूट्स, और इसके अंदर हम प्री शेयर्ड की IPv1 डिफाइन करेंगे। IPv1 प्री शेयर्ड की, एंड इट मस्ट मैच विद राउटर इस वैल्यू के साथ। अगर हम इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन को साइड बाय साइड कंपेयर करें सो दिस इज लाइक दिस, यहां पर ये है और यहां पर यही कॉन्फ़िगरेशन इस कमांड लाइन के जरिए की जा रही है। यहां पर हमें IsaCAM को इनेबल करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप क्रिप्टो मैप लगाते हैं वो इनेबल हो जाता है। इधर हमारे पास इनेबल करने के लिए कमांड है, पॉलिसी मोर और लेस सेम है विद वन कीवर्ड डिफरेंस। ACL के अंदर यहाँ सबनेट मास्क है इंस्टेड ऑफ वाइल्ड कार्ड मास्क। ट्रांसफॉर्म सेट की कमांड में भी IPv1 का इजाफा है। यहाँ क्रिप्टो मैप का सब मोड है, यहाँ पे सब मोड नहीं है। You need to repeat configuration. यहाँ पे आप इंटरफेस में जाके अप्लाई करते हैं मैप, यहाँ पर आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही इंस्ट्रक्ट कर देते हैं। सो लेट्स कॉन्फ़िगर दिस। ओके जी, लेट्स ट्राई टू पिंग फ्रॉम राउटर वन। सो वी आर एबल टू कम्युनिकेट, शो क्रिप्टो IsaCAM ASA, हमारा क्विक मोड आइडल है ASA के साथ, और ASA में भी शो क्रिप्टो IsaCAM ASA अगर हम देखें तो यहां पर मेन मोड एक्टिव बताया जाता है विच शोज दैट योर VPN इज अप। सो QM IDL की बजाय MM एक्टिव का स्टेटस है यहाँ पे, और इसका रोल बता रहा है ये रिस्पॉन्डर का है क्योंकि हमने पिंग उस तरफ से की है, और ये एक लैंड टू लैंड VPN है। शो क्रिप्टो IPsec ASA, सो इट हैज गॉट इन बाउंड एंड आउट बाउंड ASA ऑफ ESP, इसी तरह इसमें भी है inbound and outbound, और शो क्रिप्टो सेशन हमें एक समराइज्ड आउटपुट दे देती है कि इस वक्त आपकी आईक वर्जन 1 की ऐसे बनी हुई है बिटवीन दीज टू पार्टीज, जो फ्लो इनक्रिप्ट हो रहे हैं वो ये हैं, दिस ट्रैफिक इज बीइंग टनल्ड एंड यू हैव टू एक्टिव IPsec ASAs एंड दे आर बेस्ड अपॉन अ क्रिप्टो मैप, सो दिस शोज इट्स अ पॉलिसी बेस्ड VPN एंड इट इज अप एंड एक्टिव।